Now we will solve some questions on the basis of Ohm's law. Suppose a graph is given between voltage and current. A graph is given between voltage and current, and the graph and the VI curve of given, the VI curve is given for the three material, three conductor, conductor A, conductor B and conductor C. Now question is, which material, which conductor is having more resistance? So we know the slope of VI graph. Slope means Y coordinate upon X coordinate, V upon I, gives the value of resistance. This is slope. Slope means angle. Now you see which conductor is having more, which are making more angle with current, that is X axis. You see conductor A makes larger angle compared to B and C. More angle means more slope. More slope means we can say that resistance of conductor A is greater than resistance of conductor B, is greater than resistance of conductor C. Always remember one thing, that this graph is a straight line graph. This does not mean that the curve, the graph should be here only, like this only. Anyway, the graph should be only straight line. ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, तो अलग अलग एंगल बनेगा. हर कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है. रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करेंट. ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो अगर वी आई कर्व ऐसा दिया गया है, V और I की वैल्यू दी गई है, ठीक है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी गई है, 1, 2, 3, 4, 7, है ना, यहाँ दिया हुआ है मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. अब आपको ग्राफ प्लॉट करके रेजिस्टेंस निकालने बोला जा रहा है. सो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, द ग्राफ यू कैन डायरेक्टली एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, यहाँ लिख दो V और यहाँ लिख लो I. दिस इज 0, 1 सेंटीमीटर को क्या ले लो, दिस इज करंट 0.1 एम्पियर. ओके, दिस आर इन एम्पियर एंड दिस आर इन वोल्ट, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. यहाँ क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड हियर 1, 2, 3, 4, 5. अब 7 है तो 7 का बना दो, ठीक है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, बहुत सिंपल है. नाउ यू सी हियर द वोल्ट, दिस इज अ वोल्टेज ग्राफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है. तो 0.1 पे 1 वोल्ट है, तो 0.1 पे 1 वोल्ट ऐसे करके पॉइंट मार्क करेंगे. 0.2 पे 2 वोल्ट है, 0.2 पे 2 वोल्ट है, क्लियर. 0.3 पे 3 वोल्ट है, ऐसे करके हम पॉइंट बना देंगे. अब हम क्या देख रहे हैं, 0.5 पे 7 है, तो 0.5 पे 7 यहां पर होगा, 4, 5, 6, 7 यहां. तो ये पॉइंट नहीं आ रहा, एक और पॉइंट मान लो यहां ऐसे आया है. तो हम सभी पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन ऐसा कर्व मिला मान लो. तो ये लाइन स्ट्रेट स्केल से जोड़ना, हमको स्ट्रेट आना, जो आया जो पॉइंट आया आया, जो नहीं आया उसको वैसे ही छोड़ देना है. दिस इज कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन. जो नहीं आता उसको हम छोड़ देते हैं. Now, how to find the resistance? मेरी वर्ड को ध्यान से सुनना. जो भी पॉइंट नहीं आया है, जैसे ये अब एक रीडिंग नहीं आया है, तो इस पॉइंट को हम नहीं कंसिडर करेंगे. हमें रेजिस्टेंस निकालना, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे. ट्राइंगल कैसे लेंगे, देखो ये ट्राइंगल ले लो, तो यहां से यहां की वैल्यू कितनी है, 0.3 माइनस 0.2, दैट इज 0.3 माइनस 0.2, दिस इज 0.1. और यहां से यहां की डिफरेंस कितनी, 3 माइनस 2 इज. Now this is V, this is I. So V by I, this is V value, change in V, this is delta, that is change in V, this is change in current. So R is equal to V by I value. So, R का फॉर्मूला क्या होता है, R is equal to V by I, ठीक है. So R is equal to V 1 by I, I is how much, 0.1. So resistance is 1 by 10, that is 10 ohm. यहाँ से भी निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, देखो ये कंडक्टर, ये ट्राइंगल ले लो, 0.2 माइनस 0.1, वट विल बी, वट इट गिव्स, इट गिव्स 0.1. सिमिलरली 2 माइनस 1, इट गिव्स 1. सो
What is the formula for resistance? V by I. So R is equal to what? R is equal to V. कितना है यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बताओ इस ट्रायंगल के लिए 2 से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1. ठीक है. और इस ट्रायंगल के लिए यहाँ का डिफरेंस कितना दिस इज 0.2 0.1 दिस विल गिव 0.1. सो इट इज 10 ओम अगेन. तो एवरीवेयर द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉन्स्टेंट दैट इज 10 ओम. ऐसा भी क्वेश्चन आता है. ओम्स लॉ स्टेट करने कई बार एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया है. ठीक है. या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको वी निकालने बोलेगा आई दिया हुआ 10 मिली एम्पियर. तो मिली मीन्स वॉट 10 का पावर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. ओके. आर इज गिवन 60 ओम. नाउ हाउ टू फाइंड वोल्टेज. सो वोल्टेज फॉर्मूला इज वॉट वी इज इक्वल टू आई आर. यू जस्ट अप्लाई आई आर. ओके. सो आई इज वॉट 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर. यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. ओके. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक बार फिर से बताते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात को. ठीक है. देखो मान लो ये एक कंडक्टर है. ठीक है. ये एक कंडक्टर है ना. और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी से. ठीक. इस बैटरी के अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन. इसके अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन. एंड ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल केमिकल रिएक्शन के कारण पॉजिटिव चार्जेस इधर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर जाएंगे. अब ड्यू टू दिस ऑल पॉजिटिव चार्ज देयर इज रिपल्शन अमंग देम. तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण देयर इज रिपल्शन. दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस वे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एंड यू नो दैट दिस इज अ इलेक्ट्रॉन दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कंडक्टर. So this is the flow of direction of flow of electron. The nature of electron is opposite to the nature of positive charge. That is negative charge opposite nature होता है. Negative charge का opposite nature. जैसे electron का ऐसे flow कर रहा है तो positive charge ऐसे flow करेगा. क्योंकि दोनों का nature क्या है. दोनों का nature opposite है. ठीक है. Magnitude wise same है. दोनों की charge same होती है. But the nature is opposite. One is positive, another is negative. So हम ऐसा मान सकते हैं कि positive charge will start flowing through this. ये positive charge ऐसे flow कर रहा है. And the direction of flow of positive charge is taken as the direction of current. So now positive charge will come in this side. ये conductor था. ठीक. अब positive charge यहाँ पहुँच चुका है. ध्यान से सुनना. Battery क्या करेगा. Battery will do work. Battery इस charge पर work करेगा. कैसा वर्क करेगा. ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आए. तो ये क्या करेगा. देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को. ये पॉजिटिव चार्ज ना इसको अपने से दूर भगाएगा. बोलेगा क्यों आ रहे हो मेरे पास. इस तरह से दूर करेगा. बट दिस पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क इज डन बाई एक्सटर्नल सोर्स. दैट सोर्स इज कॉल्ड बैटरी. और बैटरी इसको वर्क करके कहाँ पहुँचा देगा. यहाँ पर. और जब ये ऐसा काम बैटरी करता है ना. जब ये ऐसा काम बैटरी करेगा ना. ध्यान से सुनना. जब ऐसा काम बैटरी करता है तो इस चार्ज के अंदर एक एनर्जी आ जाती है. और यही एनर्जी अगर आप इसकी जगह में बल्ब को कनेक्ट कर दो. ठीक है. बल्ब कनेक्टेड है तो क्या होगा. ये चार्ज जाएगा. ये अपनी एनर्जी इसको देगा बल्ब को. चार्ज रुकेगा नहीं. ये फिर चार्ज ऐसे घूम करके यहाँ आएगा. बैटरी फिर उसे चार्ज देगा. चार्ज अगेन इट विल टेक द एनर्जी एंड अगेन इट विल गो. दिस केमिकल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड ड्यू टू दिस हीट एनर्जी लाइट विल कम्स. ये बैटरी का जो वर्क है ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है. जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है. हियर देयर आर टू प्लेट्स पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स. स्मॉल वन इज नेगेटिव प्लेट्स. ठीक है. रिएक्शन के कारण चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था. ध्यान से सुनना मेरी बात को है ना. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था. अब क्या होगा. बैटरी इस पे अगेंस्ट वर्क कर रहा है. और जब अगेंस्ट काम करते हैं हम तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा. ये 2-3 बार देखो. ये बहुत कोर कंसेप्ट मैंने आपको बताया है. ठीक है. ये टफ नहीं है. बहुत इजी है. आप इस चीज़ को ध्यान से 2 बार देखो आपको समझ में आ जाएगा. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा. नोट कर लो इसे. देखो अगर मान लो इफ देर इज अ मास विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. नाउ
अब मैंने क्या किया, इस मास को ले गया कहां पर, मैंने इस मास को उठाया और कहां ले गया इसे, हाइट h, दिस इज हाइट h। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया वर्क, मैंने कितना वर्क किया, मैंने इस पे डिस्प्लेसमेंट लगाया। क्या ये अपने आप ऊपर जाएगा, क्या इसकी टेंडेंसी ऐसी है कि ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, नहीं, अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने जो वर्क किया, मैंने किसके अगेंस्ट वर्क किया, मैंने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ। आई हैव डन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ड्यू टू दिस अगेंस्ट वर्क, मैंने जो वर्क किया, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, दिस वर्क इज टोटली कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। और इस एनर्जी को हम जब यहां पर, जैसे वही काम बैटरी भी कर रहा था, बैटरी क्या कर रहा था, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करके उसके अंदर एनर्जी भर दे रहा था, फिर वो एनर्जी जाकर के बल्ब को एनर्जी दे रहा था, फिर अपनी एनर्जी देने के बाद डिस्चार्ज हो जा रहा था, फिर वो आकर के एनर्जी ले रहा था, थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम द बैटरी विल गेट डिस्चार्ज, बैटरी कंटिन्यूसली लाइफ टाइम थोड़ी चलेगी, बैटरी विल डिस्चार्ज। क्लियर, यही सारी बातें हैं, ठीक है। एक और अच्छा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, जैसे मान लो, ये पहले समझ तो गए होगे तुम, जैसे ऐसा माना जाता है कि जो ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब जो है इसे मैंने कनेक्ट किया है, मैंने इसे कनेक्ट किया है बैटरी से, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एजम्पशन है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन तो सभी में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन दिस कनेक्टिंग वायर एंड दिस बल्ब ऑल्सो, बट इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट, है ना, इसके अंदर फिलामेंट मटेरियल होता है, उसका नाम तुमको बताना है, और इसके अंदर का जो गैस है कौन सा गैस रहता है वो भी नाम बताना है, और आपको ये भी बताना है कि इसके अंदर इनर्ट गैस जो है क्यों है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, एवरीवेयर देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, इसकी जो कनेक्टिंग वायर है यहाँ से यहाँ तक, जो ये जो कनेक्ट किया इस बल्ब को, दिस कनेक्टिंग वायर इज हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस वायर, ठीक है। तो जो एनर्जी पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ आया है, वो पॉजिटिव चार्ज अपनी पूरी एनर्जी इस बल्ब को देगा, तो हम ऐसा क्या कहेंगे कि ये कनेक्टिंग वायर ने कोई एनर्जी नहीं लिया, देर इज नो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, देर इज नो ड्रॉप ऑफ एनर्जी हियर, है ना, ये पूरी एनर्जी किसको देगा, बल्ब को, लेकिन कुछ ना कुछ तो हीट होगा। अब एनर्जी कैसे देगा, जैसे आप एक चीज समझो, ये इस तरह का एक इंक्लाइन सरफेस है एंड देर इज ए बॉल हियर, ओके, What will happen if you left, अगर आप इसको सिंपली छोड़ दोगे तो क्या होगा, this ball will come in downward direction and here it is having potential energy and this potential energy is converted into kinetic energy plus friction energy, heat energy, heat is due to friction, here friction is there, उसी तरह that energy is converted, यहाँ पर भी friction है, resistance क्या है, एक तरह का friction है, charge के flow को रोकेगा, current के flow को रोकेगा, तो एक तरह से फ्रिक्शन का काम कर रहा है, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन हीट विल डेवलप, और यहां पर फ्रिक्शन क्या है, इस कनेक्टिंग वायर में देयर इज अ वेरी लेस फ्रिक्शन इन दिस कनेक्टिंग वायर। मैंने आपको बहुत ही कोर कंसेप्ट पोटेंशियल का बताया, सेल के अंदर क्या होता है, क्या रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जैसे ये सेल है, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस एक इलेक्ट्रोड में जमा हो जाएंगे, फिर उसके बीच में रिपल्सन होगा, ये ऐसे जाएगा, एनर्जी देगा, ये सारी प्रोसेस आपको लास्ट क्लास में क्लियर साइड नहीं हुआ होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, थैंक यू।